गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। अंकित भारती ने सैदपुर, रामपुर शरीफ, अफीपुर, गोपालपुर आदि गांव का भ्रमण कर सभी की समस्याओं को सुना। अंकित भारती ने गोपालपुर एक्सीडेंट हुआ मौके पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। गाजीपुर सैदपुर के सभी गांव रामपुर, गोपालपुर शरीफपुर, रफीकपुर आदि गांव का अंकित भारती ने भ्रमण कर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। व जीतने के बाद सभी समस्याओं को दूर कर गांव में पानी बनाली के साथ रोड भी बनवाने का काम करवाऊंगा। वो नगर की सभी समस्याओं को दूर करूंगा। यहां के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में बताया और वोट करने की अपील की। उन्होंने मतदान की तारीख को भी सभी को बताया। उन्होंने कहा कि सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में 7 मार्च को वोट पड़ेगा और परिणाम 10 मार्च को आएगा। अंकित भारती के पक्ष में कई टीमों द्वारा क्षेत्रों में प्रतिदिन भ्रमण किया जा रहा है, जिससे सपा प्रत्याशी के जीतने की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। उन्होंने वार्ड 1 से लेकर वार्ड 18 तक नगर में भ्रमण किया, देखकर हुए दुखी। गाजीपुर सैदपुर नगर के सभी वार्डों में अंकित भारती ने भ्रमण कर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। व जीतने के बाद सभी समस्याओं को दूर कर नगर में पानी व सीवर के साथ रोड भी बनवाने का काम करवाऊंगा। वो नगर की सभी समस्याओं को दूर करूंगा। यहां के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में बताया और वोट करने की अपील की। उन्होंने मतदान की तारीख को भी सभी को बताया। उन्होंने कहा कि सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में 7 मार्च को वोट पड़ेगा और परिणाम 10 मार्च को आएगा।